Hello friends, I am Swapnil. I am from Navi Mumbai and I am a businessman. मुझे आज अचानक इम्पल्स आ गई कि अंजना मैम के बुक के बारे में रिव्यू करूँ, उनके वेबिनार के बारे में रिव्यू करूँ, उनके एलओए बैच के बारे में रिव्यू करूँ. और आजकल मैं जो इम्पल्स पे ऐड कर रहा हूँ वो एक्चुअली सीखा है मैंने अंजना मैम से ही. बिकॉज अर्लियर आई वॉज अ वेरी लॉजिकल पर्सन, वेरी एनालिटिकल पर्सन. और क्या हुआ था, एक शायद आई थिंक दिसंबर जनवरी की बात है, मुझे घर से दूसरे घर में शिफ्ट होना था. और उसमें हुआ ये अचानक कि पैसे के प्रॉब्लम आने लगे, बजट में घर नहीं मिल रहा था. देर आर मेनी प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन एट अ टाइम. आई वॉज फाइनेंशियली स्टक ऑल्सो. उस वक्त मेरी सिस्टर ने मुझे ये बुक पढ़ने के लिए दी. तो ये बुक जब मैंने पढ़ी, मुझे इसमें से सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें ग्रेटिट्यूड पे एक्चुअली ऑथर ने कुछ पेजेस दिए हैं. आई थिंक 10-12 पेजेस ग्रेटिट्यूड पे है. और बाकी जनरली लोग सिर्फ प्रीच करते हैं आप ग्रेटिट्यूड ये करो, प्रैक्टिस करो वगैरह. बट मुझे सबसे बेस्ट बात लगी कि इन्होंने एक्चुअली ग्रेटिट्यूड दिया है ऑथर ने, जिनको भी लाइफ में मिले, जिनके वजह से उनको अच्छा हुआ है उनके लिए. एंड उसके वजह से मैं बहुत इम्प्रेस हो गया. फिर उसके बाद मैंने उनके कुछ वीडियोज़ देखे. एंड फिर एक दिन जब एक एलओए बैच थी तो उसके हार्डली, मतलब वो बैच ज्वाइन करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे, ऐसी मेरी सिचुएशन थी. बट मेरी सिस्टर ने बोला कि मैं दे देती हूँ बट तू ज्वाइन कर लेना भैया. और मतलब मेरी सिस्टर तो आज अंजना आर्मी में भी है, बट उस वक्त उसने मुझे दिया तो मैंने बोला सिस्टर इतना बोल रही है तो ज्वाइन कर लेता हूँ. एंड आई थिंक वो शायद इम्पल्स में मैंने डिसीजन लिया है एंड शायद इसीलिए वो राइट हो गया. बिकॉज बैच ज्वाइन होने से हार्डली 15-20 मिनट पहले मैंने वो ज्वाइन कर दी बैच. एंड उसके बाद लाइफ में टर्न अराउंड होना स्टार्ट हो गया. हुआ ये कि मैं जनरली लोग ना 3-4 घंटे वगैरह ऐसे सिखाते हैं, बट आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी बैच में आप किसी से भी पूछो, अंजन मैम लिटरली 8-8 घंटे तक बिना पानी पिए बिना खाए बात करती थी. हम लोग भी हैरान हो जाते थे कि इतनी एनर्जी कहाँ से लाती है. एंड ऐसा एवरी वेबिनार या हर जब हमारा सेशन होता था उस वक्त वैसा ही होता था. कभी कभी मतलब 7-7:30 बजे जो सेशन स्टार्ट होता था वो रात को 2-2, 2:30 बजे तक चला है. तो ये, और दूसरे दिन मैम ने वेबिनार भी लिए. तो मतलब वी आर वेरी इम्प्रेस्ड बाय हर एनर्जी लेवल. और उसके बाद ऐसा हुआ कि उनके हर वेबिनार मैंने अटेंड करना स्टार्ट किया. और उस दौरान हुआ कि मुझे अपने बजट में ही घर मिल गया, वेल फर्निश्ड घर मिल गया. ऊपर से मैं जहाँ रहता हूँ उसके लिटरली बाजू के बिल्डिंग में ही मुझे घर मिल गया, और वो भी मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे. तो ये मुझे एक बेनिफिट हुआ. उसके बाद बिजनेस में मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है एंड और भी मेरा सोलर का बिजनेस है. तो मेरे लिए लिटरली अपॉर्चुनिटीज सामने से आने लगी. मैं बड़े बड़े लोगों से मिलने लगा और उसके बाद लिटरली मेरे पास पैसे का फ्लो स्टार्ट हो रहा है. मतलब फ्लो पे फ्लो पैसा लिटरली फ्लो हो रहा है मेरे लाइफ में. मुझे ना सोचना नहीं पड़ता है कि अभी मैं क्या करूँ, कहाँ से पैसे लाऊँ. ऑटोमेटिकली आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है, ऑटोमेटिकली मुझे कोई बड़ा क्लाइंट मिल जाता है एंड सब हो जाता है. और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही है. मतलब फॉरेन से भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, डोमेस्टिक से भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है. मतलब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है कि मुझे वक्त नहीं मिल रहा है कि कैसे मैनेज करूँ. मतलब अभी मेरे को, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ और लोगों को रिक्रूट करूँ, एसोसिएट करूँ, ताकि मेरा बिजनेस और अच्छे से चले और ग्रो हो. एंड मैं सोच रहा हूँ कि फॉरेन में भी एक अपना ब्रांच डाल दूँ, क्योंकि मुझे दुबई से, जर्मनी से, अलग अलग जगह से ऑर्डर आ रहे हैं. तो कोई भी वहाँ पे भी चाहिए मैनेज करने के लिए. इतना फ्लरिश हो रहा हूँ मैं और इसके लिए मतलब अंजना मैम की जो एनर्जी है ना, वो उनका जो एलओए प्रैक्टिस सेशन था, जो एवरी डे मैंने मेडिटेशन सुबह 3-4 बजे तक वो भी डेली अटेंड किया रेगुलर. प्लस उन्होंने जो रीडिंग, राइटिंग, ग्रेटिट्यूड, मेडिटेशन है वो तो डेली फॉलो करता हूँ. बाकी भी होप और जो भी चीज़ें बताई है उन्होंने, वैसे वैसे मैंने फॉलो करी है. लिटरली फुल फेथ, फुल ट्रस्ट के साथ फॉलो करी है. दिस इज द, आई थिंक ये लास्ट 6 मंथ में फर्स्ट टाइम आई एम नॉट एनालिटिकल, आई एम एक्टिंग ऑन माई इम्पल्स. एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट. बिकॉज जब भी आप इम्पल्स आती है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि इम्पल्स मतलब इट्स डिसीजन कम फ्रॉम योर हार्ट डेप्थ और सोल. तो वो ऑब्वियसली वो आपके बेनिफिट में ही होगा. आपका सोल, आपके हार्ट आपके लिए गलत कभी सोच ही नहीं सकता है. इट विल ऑलवेज गिव यू गुड बेनिफिट्स इन व्हाटएवर यू डू. सो एक तो मैं आप सबको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ ये बुक पढ़िए,
डीपली पढ़िए, दो तीन बार पढ़िए, उसके बाद अंजना मैम के हर वेबिनार अटेंड करिए। मैं आपको बता देता हूँ गारंटेड, मैंने जबी जबी वेबिनार अटेंड किया है उसके दो तीन दिन के बाद ही मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिली है और पैसा फ्लो होना स्टार्ट हुआ है। और मेरे जैसे और भी बैचेस में लोग हैं मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने ये अटेंड किया है तो उनको भी उस सेम रिजल्ट मिला है। तो आप जरूर ये अटेंड करिए इनके वेबिनार्स, जब पॉसिबल हो तो एलओए बैच भी अटेंड करिए, एलओए प्रैक्टिस जब अगर अनाउंस होगा तो वो भी करिए, और अगर आपको अंजना आर्मी में चांस मिलता है तो वो भी करिए, क्योंकि मेरी सिस्टर जो है यंगर सिस्टर वो अंजना आर्मी में सिलेक्ट हुई है और मैं देख रहा हूँ उसमें कितना बदलाव आ रहा है और कितनी पॉजिटिव हो गई है। ऑलरेडी वो सुपर मैनिफेस्टर है ही, अब और मतलब उसके वजह से घर में और वातावरण अच्छा हो रहा है, बाकी लोग भी एकदम पॉजिटिव वाइब्रेशंस पे आ गए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एंड एज अ फ्रेंड मैं आपको एक सजेस्ट भी करता हूँ कि प्लीज आप अंजना मैम के वेबिनार एंड बुक्स पढ़िए, उनको फॉलो करिए। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज एंड ऑल द बेस्ट टू अंजना मैम, ऑल द बेस्ट टू एप्पल एंड ऑल द बेस्ट एंड ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरी पर्सन जिन्होंने अंजना मैम का वेबिनार अटेंड किया है, अटेंड करने वाले हैं, एलओए बैच अटेंड करने वाले हैं, पर्सनल सेशन अटेंड करने वाले हैं, अंजना आर्मी में जाने वाले हैं एंड जो भी यूट्यूब के जितने भी दर्शक हैं सबको लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू मी। थैंक यू सो मच।